आज मैं आपको वो कहानी सुनाऊंगा जो कि खुद सोनी भी नहीं सुनना चाहता, द अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 की कहानी। क्या हुआ एक्चुअली में और क्या हो सकता था। काफी सारे फैंस एंड्रू गारफील्ड के स्पाइडरमैन को द बेस्ट स्पाइडरमैन मानते हैं, मैं उनमें से नहीं हूं, बट ये स्टोरी आप पूरी एंड तक सुनना क्योंकि शायद ये मूवी बहुत ही अमेजिंग हो सकती थी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ सोनी की वजह से और कुछ फैक्टर्स की वजह से पूरी मूवी कैंसिल हो गई। तो पूरी स्टोरी आपको बताऊंगा, वीडियो एंड तक देखना। तो ये गाइस, मैं हूं सचिन निगम, एंड लेट्स बिगिन द वीडियो। वैसे मैं ये वीडियो बनाने वाला नहीं था, लेकिन मैं चाहता था आप लोग को सच्चाई पता चले कि सोनी एक्चुअली में कर क्या रहा था और एंड्रू गारफील्ड की अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 कैंसिल क्यों हुई। मैंने इस वीडियो को डिवाइड किया है 5 चैप्टर में, तो अगर कोई ऐसा फैन है जो कि सारी की सारी कहानी को जानना चाहता है तो मैं उसको एंड तक बताऊंगा। तो जो भी इंसान है, जो भी समझना चाहता है कि अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 के साथ हुआ क्या था, उसको ये वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी, तभी आपको समझ में आएगा किस तरह से सोनी ने एंड्रू गारफील्ड के साथ गेम खेला और क्या क्या हुआ। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। कोई भी कंपनी या फिर कोई भी स्टूडियो जब एक मूवी को बनाता है तो उनका सिर्फ और सिर्फ एक पर्पस होता है, वो ये होता है कि लोगों को एंटरटेनमेंट दिया जाए बट उसके साथ में हमें प्रॉफिट भी मिले। लेकिन ऐसा नहीं हुआ अमेजिंग स्पाइडरमैन की किसी भी मूवी के साथ में। जब अमेजिंग स्पाइडरमैन 1 आई थी तो सोनी को बहुत ज्यादा उम्मीदें थी, लेकिन यहां पर दोनों में से कोई भी मूवी 1 बिलियन के मार्क को भी क्रॉस नहीं कर पाई। इससे पहले के जो स्पाइडरमैन थे हमारे, यानी कि टोबी मैगवायर, उनकी मूवी ने बहुत अच्छा काम किया था। स्पाइडरमैन 1, 2 और 3 बहुत ही अमेजिंग मूवी थी, ये सबको पता था। तो सोनी तो ये चाहता था कि जब वो अमेजिंग स्पाइडरमैन की मूवी पे काम करे तो एक अच्छा खासा प्रॉफिट वो कमाए, बट आप जानते और हम भी जानते हैं कि ऐसा नहीं हो पाया। और ये था पहला रीजन जिसकी वजह से सोनी स्टूडियोज के अंदर ये पता चल चुका था कि स्पाइडरमैन फ्रेंचाइज से उनको कोई भी फायदा नहीं होने वाला है, और ये थी पहली मिस्टेक। सोनी ने अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 को रिलीज करने के लिए और उसकी अनाउंसमेंट करने के लिए रियो के अंदर एक बहुत ही अमेजिंग, उन्होंने बहुत ही अच्छा इवेंट रखा था जहां पर उन्होंने बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट किया। लेकिन जब उस वक्त सोनी के जो सीईओ थे उन्होंने एंड्रू गारफील्ड को फोन करके ये बोला कि तुम्हें एंड्रू यहां पर आना पड़ेगा और तुम्हें इवेंट के अंदर आना है ताकि लोगों को हम अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 की जानकारी दे सकें और ये बहुत ही अच्छी मूवी अनाउंस कर सकें, क्योंकि इसका थर्ड पार्ट हमारे पास बनने वाला है, आपको ये बात ऑलरेडी पता है। तो एंड्रू गारफील्ड ने मना कर दिया। क्यों मना कर दिया? क्योंकि उनकी तबीयत खराब थी। अब सोनी के सीईओ को ऐसा लगा कि एंड्रू गारफील्ड शायद मूवी के अंदर इंटरेस्टेड नहीं है या फिर वो हमारी इज्जत नहीं करते, और उन्होंने सीधा फोन पे कह दिया कि तुम्हें इस मूवी से निकाला जाता है। मतलब पूरी मूवी बन चुकी थी, उसकी स्टोरी लिखी जा चुकी थी, सब कुछ होने वाला था, लेकिन जब एंड्रू गारफील्ड की एंड में तबियत खराब हो गई, उन्होंने फोन करके सिर्फ और सिर्फ यही बोला कि मेरी तबियत खराब है इसलिए मैं नहीं आना चाहता, मुझे अकेला छोड़ दो। तो वहां पर सोनी के सीईओ ने उनको निकाल दिया। मुझे समझ में नहीं आता, अगर किसी एक्टर की तबियत खराब है तो उनको आप मूवी से कैसे निकाल सकते हैं? उनसे बैठ के बात की जा सकती थी, उनसे बैठ के समझा जा सकता था कि प्रॉब्लम क्या है, बट यहाँ पर सोनी ने भी अपने तेवर पूरे दिखाए रखे, और जो हमारे एंड्रू गारफील्ड थे उन्होंने भी बिल्कुल भी हल्की सी भी ये बात नहीं सोची कि अगर मैं इवेंट के अंदर चला जाऊंगा और मेरी मूवी अनाउंस हो जाएगी उसके बाद भी मैं आराम कर सकता हूँ। एक तरफ हमारे ऐसे एक्टर हैं जो कि बहुत ही अमेजिंग एक्टर है, हमारे कियानू रीव्स जो कि 104 डिग्री बुखार में भी है एक्शन के स्टंट और सीन कर लेते हैं, और एक ऐसे हीरो हमारे एंड्रू गारफील्ड जिनकी मूवी अनाउंसमेंट होने वाली है, पूरा स्टेज उनके लिए तैयार किया गया है लेकिन वो आना नहीं चाहते। अब आप मुझे खुद बताना कि इसके अंदर कौन जिम्मेदार है। अब मुझे नहीं पता यहाँ पे किसकी गलती है, एंड्रू गारफील्ड की या फिर सोनी की, बट मेरे हिसाब से सोनी को थोड़ा सा हार्श बिहेवियर नहीं दिखाना चाहिए था और हमें स्पाइडरमैन 3 या फिर अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 शायद देखने को मिल जाती। अब मुझे पता है कि काफी लोग ये कहेंगे कि इसके लिए हमारे एंड्रू गारफील्ड ही जिम्मेदार है, क्योंकि ऑब्वियसली अगर वो इस इवेंट को कंटिन्यू कर लेते या फिर इस इवेंट में चले जाते तो हमें शायद ये मूवी देखने को मिलती। बट अब गाइज, अब वेट करना, अब यहाँ पे आने वाला है एक ट्विस्ट। अब ये सारी की सारी बातें हमें पता चल चुकी थी कि, लेकिन जो मेन बात थी वो हमें पता नहीं चली थी, वो ये थी कि 2015 के अंदर ही जो सोनी है उसने डिसाइड कर लिया था कि एंड्रू गारफील्ड को मूवी से वो निकालेंगे ही निकालेंगे। और ये हमें कैसे पता चला? हमारी सोनी की जो प्रेसिडेंट थी उस वक्त, या फिर हमारे सोनी की जो कह सकते हैं जो मूवी की इंचार्ज थी, यानी उनके जो ईमेल थे वो लीक हो गए थे। हाँ बिल्कुल लीक हो गए थे। मैं एक ईमेल आपको दिखाऊंगा जरूर, यहाँ पर आप देख सकते हैं उन्होंने काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन की बात की है। तो मोटा मोटा अगर मैं आपको बताऊं तो होने क्या वाला था, एक्चुअली में उन्होंने ये डिसाइड किया था कि एंड्रू गारफील्ड अगर मूवी के लिए रेडी नहीं होते हैं तो उनको सिर्फ और सिर्फ एक किसी मूवी के लिए रेडी करके और हमारे टोबी मैगवायर को वापस ला के हमारा ओरिजिनल स्पाइडरमैन और वर्सेस अमेजिंग स्पाइडरमैन कर दिया जाएगा, उसके बाद नए कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस हम करवा देंगे, जैसे कि क्रेवन द हंटर, सिनिस्टर सिक्स और वेनम। अब ये स्टोरी कुछ भी हो सकती थी, लेकिन सोनी ने ये चीज़ पहले ही डिसाइड कर ली थी। अब मुझे ये समझ में नहीं आता कि सोनी अगर पहले डिसाइड ये कर चुका था कि उनको एंड्रू गारफील्ड को उस मूवी से निकालना ही है, तो ये सब ड्रामा क्यों, इन सबको बुलाना क्यों, एक स्टेज क्यों बुक करना सेट, और साथ ही साथ सारी की सारी चीज़ें एंड्रू गारफील्ड पे क्यों थोपनी? अगर आपको उनको निकालना ही था तो आप अपने कॉन्ट्रैक्ट को सिंपली कैंसिल करते और जो भी था वो सब कुछ खत्म कर देते। लेकिन यहाँ पे हमें पता चला, जब लीक ईमेल हमारे सामने है तो उनसे हमें पता चला कि जो सोनी था वो ऑलरेडी सब कुछ प्लान करके बैठा था और उनकी ऑलरेडी जो बातचीत वो मार्वल के साथ चल रही थी और उन्होंने ऑलरेडी ये बात कर ली थी किसी तरह से एंड्रू गारफील्ड को बाहर निकालना चाहते हैं।
अब मुझे समझ में नहीं आता कि यहाँ पर मैं किसके लिए जो रूट करूँ। अब मुझे समझ में नहीं आता कि एंड्रू गारफील्ड की यहाँ पे गलती है भी क्या है। मेरे ख्याल से तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला था, लेकिन सोनी ने यहाँ पे जो ईमेल्स थे और लीक हुए उसके बाद हमें पता चला कि एक्चुअली में जो गलती थी वो सोनी की थी, क्योंकि होने क्या वाला था, उनकी डील होने वाली थी मार्वल के साथ। आप शॉक हो जाओगे ये बात जान के कि एक्चुअली में मार्वल सोनी के बीच में चल कर रहा था। मार्वल ने डिसाइड किया था कि वो किसी तरह से जो स्पाइडरमैन है उसके राइट्स खरीद लेगी अपनी मूवी के अंदर डालने के लिए। हमें पता है 2016 के अंदर जब सिविल वॉर आई थी तो स्पाइडरमैन उसके अंदर मेन कैंडिडेट था। उससे पहले क्या हुआ था, थोड़ा सा बैकअप करते हैं। यहाँ पे आप इस ईमेल के अंदर देख सकते हैं टोटल सारी की सारी बात हमारे सामने ही है। अब देखो मैं ये नहीं बोलूंगा कि ईमेल जो है वो बिल्कुल असली है, ये सब कुछ लीक्ड है। और मेरे ख्याल से आपको पता भी होना चाहिए कि जो लीक इन्फॉर्मेशन होती है अगर वो कहीं और से आ रही है तो उस पर विश्वास करना या ना करना वो आपके ऊपर है। बट ये ईमेल जो है मेरे पास काफी टाइम से पड़ा हुआ और मैं सोच ही रहा था कि आपको दिखाऊंगा, लेकिन मैं रुका नहीं गया और मुझे लगा कि आपको पता होना चाहिए। बेसिकली यहाँ पर जो है वो सोनी ने सोच लिया था वो किसी तरह से स्पाइडरमैन के कैरेक्टर का इस्तेमाल करके $12 बिलियन का जो है टोटल बिजनेस करना चाहते हैं। उन्होंने ये तो सोचा था कि अगर एंड्रू गारफील्ड हमारे साथ रहते हैं तो उनकी 5 मूवी बनाई जाएगी। हम यहाँ पर देख सकते हैं जो पहली मूवी आने वाली थी वो तो आ ही चुकी थी, और जो तीसरी मूवी आने वाली थी अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 वो 2017 में आती, उसके बाद अमेजिंग स्पाइडरमैन 4 2018 में आती, और अमेजिंग स्पाइडरमैन 5 जिसमें हमारे टोबी मैगवायर और एंड्रू गारफील्ड दोनों होते वो 2020 में आती। और यहाँ पर वो टोटल जो है मूवी से बहुत अच्छा बिजनेस कर चुके होते। और यहाँ पे लीक में ये भी कहा गया है कि यहाँ पर हमें जो है टोटल प्रॉफिट मिलेगा वो मिलेगा $12 बिलियन का सिर्फ और सिर्फ 5 साल के अंदर। और यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं कि बहुत ही अच्छा उनके पास प्लान था, बट यहाँ पर जब उनको पता चला कि सारे के सारे लोग नहीं करना चाहते हैं काम और टोबी भी रेडी नहीं है, एंड्रू भी रेडी नहीं है, तो उनका पूरा प्लान जो है वो फेल कर दिया और मार्वल के साथ उन्होंने एक नई डील बना दी। अब मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ कि ये जो आइडिया था सोनी के पास में कि हमारे एंड्रू गारफील्ड और टोबी मैगवायर को लेकर एक बहुत ही अच्छी मूवी हम बना सकते हैं, मैं तो खुद कहता हूँ कि अगर आज की डेट में सोनी और मार्वल मिलकर एंड्रू गारफील्ड को, टॉम हॉलैंड को और टोबी मैगवायर को मिलाकर एक मूवी बनाते हैं जिसका नाम वो देंगे स्पाइडर वर्स, तो मैं आपको खुद यही बात कह सकता हूँ कि वो मूवी कम से कम नहीं तो 2 बिलियन से ऊपर का बिजनेस आराम से कर जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। सारे के सारे फैंस, बहुत सारे फैंस हैं जिनको टोबी मैगवायर पसंद है, बहुत सारे फैंस ऐसे हैं जिनको एंड्रू गारफील्ड पसंद है, और बहुत सारे फैंस ऐसे हैं जिनको लगता है कि टॉम हॉलैंड आज तक के अंदर सबसे बढ़िया स्पाइडरमैन है, मैं उनमें से एक हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये मूवी आने वाली थी और अगर सोनी और मार्वल ट्राई करते किसी तरह से तो ये मूवी कम से कम नहीं तो $2 बिलियन का बिजनेस तो कर जाती, लेकिन सोनी के लालच ने साथ ही साथ एंड्रू गारफील्ड की फायरिंग ने और टोबी मैंने तो ये साफ मना कर दिया था कि मैं इस मूवी के अंदर काम नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि तुम लोग बहुत लालची हो। अब मैं किसी को एक्यूज नहीं कर रहा हूँ, ऑब्वियसली मैं किसी को एक्यूज नहीं कर सकता, मेरे पास ये राइट नहीं है, बट जो सच्चाई है वो आपके सामने है और जो लीक्स हैं वो आपके सामने, आपको खुद डिसाइड करना है कि क्या होने वाला था। मार्वल ने इस डील का फायदा उठाया, उन्हें पता था कि आज की डेट में जो है हमें अगर छोटा सा कॉन्ट्रैक्ट करना है सोनी वालों के साथ में तो हम इस बात का फायदा उठा सकते हैं क्योंकि उनको पुरानी मूवी से कोई भी बेनिफिट नहीं हुआ है, थोड़े सस्ते में स्पाइडरमैन मिल जाएगा। और उसका रिजल्ट था 2016 के अंदर सिविल वॉर के अंदर स्पाइडरमैन की एंट्री जो कि रोल संभाला टॉम हॉलैंड ने। और अभी तक हम ये बात जानते हैं कि अब जब से मार्वल के अंदर ही स्पाइडरमैन का कैरेक्टर आ चुका है, सोनी को भी प्रॉफिट हो रहा है, मार्वल को भी प्रॉफिट हो रहा है, सबको प्रॉफिट हो रहा है, और ये डील बहुत ही अच्छी थी। अब काफी लोग मुझे मैसेज करके बात पूछते हैं कि भाई चलो ठीक है सारी बात हमें समझ में आ गई, और मुझे पता है कि कमेंट सेक्शन में आज की डेट में काफी लोग मुझसे बोलेंगे कि इतनी बड़ी आपने कहानी सुना दी एक ऐसी मूवी के बारे में जो कि अच्छी भी नहीं थी। लेकिन गाइस मैं सच बता रहा हूँ, अगर आप एक मार्वल फैन हो तो आपको पता होना चाहिए कि स्टूडियोज के बीच में चलता क्या है और साथ ही साथ किस तरह से जो है वो गेम्स खेली जाती हैं। मैं आपको बताने वाला हूँ अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 का प्लॉट एक्चुअली में इस मूवी के अंदर होने क्या वाला था। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बताना चाहता हूँ जिस प्लॉट को मैं पढ़ने वाला हूँ वो बिल्कुल बेकार है। अगर सच में ये प्लॉट होता तो वाकई में ये मूवी फ्लॉप होने वाली थी, इसको कोई बचा ही नहीं सकता था। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं टोटल ये जो मूवी रिलीज होने वाली थी ये होने वाली थी 2016 के अंदर, यानी जिस वक्त सिविल वॉर आई थी उसी वक्त ये मूवी रिलीज होने वाली थी। यहाँ पर हमें पता चलने वाला था कि एक्चुअली में कहानी जो है वो कंटिन्यू की जाती। यहाँ पर हम देख सकते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये दिखाया जाता है किसी तरह से एंड्रू गारफील्ड किसी ऐसे सब्सटेंस को वो ढूंढ लेता है जिससे लोगों को जिंदा किया जा सकता है। अब वो ऐसे सब्सटेंस को ढूंढने के बाद में किसको जिंदा करता, पहले अपनी गर्लफ्रेंड गोयन सेठी को जिंदा करता, फिर अपने फादर को जिंदा करता, और भी बहुत सारी चीजें हमें देखने को मिलती। उसके बाद हम देख सकते थे कि मूवी के एंड में हमें देखने को मिलता वेनम, वेनम का एक्चुअली वेनम नहीं वेनम का सिम्बियोट। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि पीटर पार्कर को यानी एंड्रू गारफील्ड के पीटर पार्कर को स्पाइडरमैन को जब ये सिम्बियोट मिलता है तो बहुत पावरफुल वो फील करता है, लेकिन जब वो अपना सिम्बियोट आगे लेके निकलता है तो जितने भी हमारे विलन्स होते हैं जो कि सिनिस्टर 6 होते हैं वो उस पे हंसते हैं। ये किस तरह का प्लॉट है, आप क्या दिखाना चाहते हो मूवी के अंदर, मुझे समझ में नहीं।
अब यहाँ पर वो सारे के सारे हंसते हैं तो एंड्रू गारफील्ड का जो स्पाइडरमैन है वो वेनम के सिम्बेट को निकाल के फेंक देता है और वेनम कोई और होस्ट ढूंढ लेता है और ज्वाइन कर लेता है सिनिस्टर सिक्स। बेसिकली ये स्टोरी होने वाली थी। मूवी के अंदर हमें पता है कि जो पुरानी उसकी गर्लफ्रेंड थी एमा वॉटसन का जो कैरेक्टर था गवेन स्टेसी का वो तो मर चुका था, लेकिन इस मूवी के अंदर हमें जो है एक और नए कैरेक्टर जो हमें देखने को मिलता वो थी हमारी बहुत ही अच्छी, जिसको मतलब हर मूवी के अंदर ऑलरेडी देख चुके हैं, आपको पता है मैं किसकी बात कर रहा हूँ, वो है स्पाइडरमैन की गर्लफ्रेंड या फिर प्यार या मोहब्बत कुछ भी कह सकते हो, मैरी जेन। इस मूवी के अंदर हमें मैरी जेन भी देखने को मिलने वाली थी और जो एक्ट्रेस है वो भी कंफर्म हो चुकी थी और थोड़ी सी शूटिंग भी हो चुकी थी। मूवी के एंड में हमें सिनिस्टर सिक्स का सेटअप दिखाया जाता, सारे के सारे कैरेक्टर हम ऑलरेडी देख चुके थे स्पाइडरमैन 1 और 2 के अंदर, पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें दिखाया गया था। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे वल्चर के लिए और साथ साथ डॉक्टर ऑक्टोपस के लिए ऑलरेडी यहाँ पे कैमियो अवेलेबल था। बट इस मूवी के अंदर कौन कौन रहने वाला था ये मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल जो सिनिस्टर सिक्स के मेंबर होने वाले थे वो कौन थे, पहला वल्चर होता, दूसरा क्रेवन द हंटर, तीसरा राइनो, चौथा मिस्टीरियो, पांचवा यहाँ पर होता ग्रीन गॉब्लिन और इन सबको जोड़ता नॉर्मन ऑसबर्न जो कि वापस आता मरने के बाद। ये होने वाला था टोटल प्लॉट अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 का। अब मुझे आप ये बताओ क्या आपको ये प्लॉट कैसा लगा, क्या आपको लगता है कि अगर ये मूवी बनती तो सक्सेसफुल होती? मेरे हिसाब से नो, मेरी तरफ से नो। मेरे को ये चीज समझ में नहीं आई कि लॉजिक कहाँ से वो फॉलो कर रहे हैं और किस चीज से फॉलो कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से तो अच्छा ही हुआ कि मूवी कभी नहीं बनी। लेकिन अब आप सच्चाई जान चुके हो और आप एक अच्छे से अंदाजा लगा सकते हो कि मूवी क्या हो सकती थी, क्या होने वाली थी और सोनी और मार्वल के इसमें क्या चल रहा था। लेकिन इसमें मैं एक चीज जरूर बोलना चाहूंगा, एंड्रू गारफील्ड की कोई गलती नहीं थी और अभी भी अगर सोनी या मार्वल चाहे तो उनको लाकर स्पाइडर वर्स की मूवी बना सकते हैं जो कि मेरे हिसाब से अगेन 2 बिलियन तो आराम से क्रॉस कर जाएगी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, मुझे पता है अच्छी लगी है क्योंकि अभी तक आप इस वीडियो को देख रहे हो, सो गिव अ लाइक ऑन दिस वीडियो। और अगर अभी तक चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किया है और नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि गिव अवे अभी चल रहा है जिसका अनाउंसमेंट मैं जल्दी ही करने वाला हूं, तो उसके लिए आप आई बटन में वीडियो देख लेना और गिव अवे में पार्टिसिपेट कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर क्लिकिंग ऑन दिस वीडियो। मैं उसे चुने का मिलूंगा आपसे अगली वीडियो के अंदर। बाय गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल एंड हैव अ ग्रेट अमेजिंग डे।